Hey guys, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे रूम की ना फिर से सेटिंग चेंज हो गई, मतलब फिर से नहीं, अभी कुछ टाइम पहले जो दिखाई थी वो सेटिंग, मतलब जिन्होंने नहीं देखी उन्हें दिखा देती हूँ। बेड अब उधर आ चुका है, सोफा कम बेड उधर चला गया है, मेरे क्यूट टीचर टेडी उधर है। और आप एक चीज़ नोटिस करो, अभी ना धूप देखो बेड सीधे अंदर आ रही है, वाह, मतलब विंटर्स के डे में यहाँ पे सनलाइट आने वाली है, जो कि मेरे बेटों के लिए बहुत अच्छा है। अंदर ही बैठ के धूप सेकेगा, हाँ हाँ, लेकिन विंटर्स में धूप बहुत। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे। टू माय न्यू ब्लॉग एसएस व्लॉग यूके में स्वागत है आप सभी का, एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर में मस्त होंगे, एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, नवरात्रि चल रही है, आज अष्टमी है, आज सातवां व्रत है फास्ट का, और कल अष्टमी है, और आज हम लोग निकल रहे हैं घर अपने हल्द्वानी। सोचा आज भी एक व्लॉग शूट हो जाए, क्यों ना, स्पेशल व्लॉग है क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग अपने न्यू घर जा रहे हैं, एंड कल है हमारे यहाँ अष्टमी पूजन। सो कल शायद मेरी मम्मी लोग मायके वाले हैं वो लोग भी हमारे घर आ रहे हैं, सो कल होगी पूजा। ये वाला व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट कर लिया है बिकॉज क्योंकि दिखा रही थी कि यहाँ पे भी मेरा इतना वर्कलोड हो जाता है ना, इतना काम वाम, तो सारा खरारा फैला हुआ था, मतलब अभी भी फैला हुआ है। मैंने एक्स्ट्रा जितना लगे थे सब निकाल के रख लिया है, और डेली यूज़ के कपड़े उधर लॉन्ड्री बैग में रख दिए। देखो मैंने ऐसे लॉन्ड्री बैग रख दिए, थोड़ा खरारा तो ज़रूर हो रहा है लेकिन ये सब क्लीन हो जाएगा जब मैं आऊँगी उसके बाद। लेकिन अभी मेरा झाड़ू लग चुका है, पोछा लगा रही हूँ। ये वाला बेडरूम भी कुछ इस तरीके से हो गया है, मेरा सब कुछ फैला है, ये सब समेट जाएगा जब मैं आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आई फटाफट से मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं और करते हैं हमारी काशीपुर से हल्द्वानी किचन स्टार्ट। वैसे तो आपने बहुत बार देखी होगी, लेकिन चलो चलते हैं। और हमें तो बहुत मज़ा आता है जब भी हम अपने घर जाते हैं, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं बिकॉज़ अपना घर होता है। बट जो हस्बैंड है वो कल आएंगे क्योंकि उनकी ड्यूटी है, सो वो कल सीधे पूजा में आएंगे, तो उससे पहले मुझे जाके सारी तैयारियां करनी है। और क्या क्या तैयारी मैं करूँगी अपनी पूजा में, अष्टमी पूजा को लेके, सो वो सब आपको मैं बताऊँगी मेरे इसी ब्लॉग में, सो बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, फटाफट से पोछा लगाते हैं, उसके बाद मुझे नहाना भी है, पूजा वूजा करनी है, बैग पैक करनी है, सो उसके बाद आपसे मिलेंगे हम कल। और जो मेरा ना कल हवन की पूजा के लिए मैंने साड़ी दी थी वो भी कल स्टिच नहीं हुई है, आई होप कि आज हो जाए, उन्होंने बोला था कि आज 10 बजे तक दे देंगे, तो लेट्स सी कि मिलता है या नहीं। कल मिल जाएगा तो कल हस्बैंड जो है उनको साथ में लेके आ जाएंगे। सो फटाफट से हम तैयारी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली निकल गए हम लोग काशीपुर से हल्द्वानी के लिए, मतलब करते 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 भी ना 11 बज गया है, तो अभी ना हम लोग निकल रहे हैं और पेट्रोल पम्प पे, पेट्रोल पम्प चाचू है। ओके, सो भैया जा रहे हैं हमें छोड़ने, मन्नू के फ्रेंड। सो देखो पीछे गाड़ी खचा खच भर रखी है, देखो। सो फ्रेंड्स, हमारा लगेज देख सकते हो आप, इवा की गाड़ी से लेके सारा सामान खचा खच भर चुका है। सो ये देखो निकल गए हम लोग। रख दिया उन्होंने भैया। तो फ्रेंड्स, इस शॉप से लिया है मैंने गीजर, देखो अपने न्यू घर के लिए, और ये है हल्द्वानी की पूरी मार्केट, यू कैन सी फ्रेंड्स, ये देखो हल्द्वानी की पूरी मार्केट देखो आप, और हमने हल्द्वानी से ही लिया है गीजर। आज सैटरडे था फिर भी हमें एक शॉप मिल गई है, और घर में अभी नीचे तो गीज़र था पुराना, लेकिन अभी हम नया ले रहे हैं नए घर के लिए, तो इस शॉप से हमने गीज़र लिया है देखो।
ये है शॉप, ये है इबू। सब सीधे घर चलते हैं और आपसे मिलते हैं। वही पूरी गाड़ी ट्रक बन गई है देखो। नहीं वो गाड़ी भी आ गई, गीजर भी आ गया, इबू भी आ गई, इबू भी आ गई यार, इस भी आ गया, गोरिन भी आ गई। Hey guys, पहुंच गए हम लोग अपने घर पर। और ये देखो, ये है ईवा जो कि अपनी गाड़ी लेके आई थी और यहाँ पे खेल रही है। आप शक्ल देख के पहचान जाओगे बहुत बार देखो व्लॉग में पप्पू। सो पप्पू आ गया है और ईवा क्या डायलॉग बोलते है जब पप्पू आता है, क्या बोलती है वो? पप्पू चाबी वाला ये वो कौन पप्पू चाबी वाला। वाह पप्पू तेरी फोटो बहुत। ये देखो मम्मी और ये पप्पू, वो है भुवन। मम्मी जा रही कीर्तन में, जोर से बोलो हेलो 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 भाई। आज पहली बार देखो ईवा बैठी है स्कूटी में पीछे। मुझे बड़ा डर लग गया क्योंकि कभी मैंने इसे पीछे नहीं बिठाया स्कूटी में। और साथ देखो ईवा है, दुकान पे आए हैं हम लोग कल के हवन की तैयारी का सामान लेने के लिए। तो ईवा यहाँ पे देखो कैसे खेल रही है बच्चे। देखो हल्द्वानी का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है अभी, ठंडा ठंडा। और हम जा रहे हैं अभी वेजिटेबल शॉपिंग के लिए क्योंकि सुबह सुबह ना सब्जी लेने, फिर एक तो मौसम भी ठंडा है और बहुत ज़्यादा काम रहेगा कल सुबह। हवन की तैयारियाँ भी करनी है तो इस चक्कर से हम लोग सब्जियाँ अभी ले ले रहे हैं और कुछ तैयारी हम लोग जो है हवन की ना रात को ही कर लेंगे। देखो आगे से खड़ी है, आप देख सकते हो मेरे पूरे घर बनने की जर्नी में पप्पू ने मेरा बहुत साथ दिया है। और ये देखो अभी भी पप्पू हमारे हवन की सामान लेने आ गया मेरे साथ। तो फ्रेंड्स ये देखो हल्द्वानी का मौसम बड़ा ही ऑसम। और ये है पप्पू, पप्पू चाबी वाला। तो फ्रेंड्स आज पप्पू का नाम ईवा ने रख दिया है पप्पू चाबी वाला। पता नहीं जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए और कल की तैयारी जो है ना थोड़ी बहुत अभी कर लेते हैं। और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना हल्द्वानी का, अभी तो शॉपिंग करो घूमो कुछ भी करो लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो चलो चलते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ऐसे देखो सब्जियाँ खरीदने आए हम लोग यहाँ पर हवन के लिए, कल की तैयारी हो रही है देखो। और ये है इवर। सो फ्रेंड्स ये देखो पप्पू बेचारा थक गया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम हो चुकी है और मेरी डिनर की जो तैयारी है ना वो हो गई है। लेकिन सबसे पहले मैंने आज बनाया ना, ये देखो फास्ट में बनाते हैं ना सिंघाड़े की चाट बोलो या क्या बोलो, वही हैंड इसको ना मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया। और देखो प्योर सिंघाड़े की है तो कितनी ब्लैक हो गई है और इतनी टेस्टी लग रही है ना खाने में, क्या बताओ, हेल्दी एंड टेस्टी। सो अभी हूँ मैं अपने ससुराल में और अपने नए घर में। सो और अब मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया, फैन भी ऑन नहीं किया हम लोगों ने यहाँ पे। सो फ्रेंड्स एक लगभग एक डेढ़ किलो सिंघाड़ा में सिर्फ दो तीन कटोरे और सिर्फ इतना इतना हाफ हाफ सिर्फ इतना ही बना है। लेकिन बाकी में घर में बनी है ना इतनी टेस्टी लग रही है, फास्ट के अकॉर्डिंग बनी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मौसम भी हल्द्वानी का काफ़ी अच्छा हो गया। सो कल हवन है तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है हमें। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में फ्रेंड्स। तो सोचा आज ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं और बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस होता है। आई होप यू लाइक इट। तो नाम मुझे यहाँ नाम निकल गए, क्या हो रहा है ये भाई? कितना नाम से बोला ये? आँख घुट जाएगी। क्या हो गया भैया? सो फ्रेंड्स अभी रात हो गई और मैं जस्ट सोई गई थी, सोई मेरी आँख खुली तो सोचा आप लोग को गुड नाइट बोल देती हूँ। गुड नाइट फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अगले नए व्लॉग में। कल का व्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा, हमारे न्यू घर में होने वाला है फर्स्ट टाइम हवन। सो पूरा व्लॉग आएगा, प्लीज़ व्लॉग में बने रहेगा लास्ट तक। और ये वाला व्लॉग भी जिन जिन ने लास्ट तक देखा थैंक यू सो मच। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय। उठ गई हूँ मैं और मम्मी ने ना मुझे 7:30 बजे उठाया है, वो भी दो बार आके। तो मैं मुझे इतनी गहरी नींद आ गई थी ना क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं, मेरे शरीर बहुत अच्छा और वॉमिट भी मुझे दो बार हो गई और ना हल्द्वानी में डेंगू हो रहा है बहुत ज़्यादा, वायरल इसका फैला हुआ है तो मुझे इतना डर लग गया कि
की तैयारियाँ यहाँ पे शुरू हो गई हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने ना कद्दू काट के इंडक्शन पे चढ़ा दिया ताकि ये थोड़ा सा ना कम हो जाएगा इसकी क्वांटिटी। तो ये इसके अंदर कुकर में हमारे मतलब दोनों में हमारे छोले उबल रहे हैं और साथ में मैं यहाँ पे देखो टमाटर हरी मिर्च और अदरक वगैरह काट के मसाला का पेस्ट बना दी। भी पूरी हो गई है सो सफाई हो चुकी है अच्छे से। अभी बस मेरा वाला रूम ना ऐसे खरारा पड़ा हुआ है, ये भी सब क्लीन होना है। कल फ्रेंड्स ये देखो डबल पर्दे मेरे रूम में टंग चुके हैं सो ये देखो भी क्लीन हो गया है। बस यहाँ की सफाई हो गई है, बस थोड़ा बहुत डस्टिंग जो बची है। सबसे पहले करते हैं खाने की तैयारी क्योंकि खाना रेडी मतलब खाना ना टाइम पे रेडी हो जाता है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो जो मेन मेन खाने का है वो मैं कर देती हूँ फटाफट से रेडी क्योंकि पंडित जी आने वाले होंगे, 9 बज गया है और मनु आ गए तो वो बहुत चिल्लाएंगे थे मेरे ऊपर कि अभी तक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो फटाफट से मैं फ्रेंड्स देखो पंडित जी आ गए हैं हवन के लिए। पंडित जी हेलो बोल दो देखो पंडित जी हेलो बोल रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखो ये देखो आ गए हैं टनकपुर वाले सारे पापा मम्मी बुआ चाची सब आ गए हैं। ये देखो हम आ गए फ्रेंड्स, ये देखो चाची आई हैं और आज फर्स्ट टाइम आए हमारे नए घर में। पीछे भाभी हैं, भाभी हाय बोलो। सो बहुत अच्छा लगा मुझे, देखो आज पहली बार आए हैं। और आप लोगों को कैसा लगा, कैसा लगा नया? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक एकदम बिल्कुल। सो देखो फ्रेंड्स कोई कहेगा हमारी भाभी चाची है, देखो हम सब बहने लगती हैं। सो ये देखो एवा पूरी ले ना, पूरी ले, पूरी ले। ये देखो चाची है एंड भाभी, और चाची और भाभी का लुक देखो, और साक्षी भी आई है देख सकते हो आप। और बहुत अच्छा लगा हवन में आज सब लोग आए। हाय गाइस देखो हो गई हूँ मैं हवन के लिए रेडी और अपना पूरा लुक ना अभी आपको दिखाती हूँ। देखो Yeah.
आ गया हमारा राज। हेलो।
जाओ बुला के लाओ फिर सब भी बाय कर दो। बाय इवू, इवू। बाय बाय। बाय बाय। अलविदा। बाय बाय। सबको बाय बाय। देखो फाइनली आज हमारा डाइनिंग भी आ गया है इतना लेट। चाली दी मेरे को तो चाहिए।